कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज है वीकेंड और आज बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। सरसों, सोया, पामोलिन में क्या कारोबार चल रहा है, लोकल जो मिले हैं, आज मार्केट कैसा खुला है होली के पहले, क्योंकि अब वेकेशन है, होली की छुट्टियां होने वाली हैं, तो आज जो वीकेंड भी है, तो आज जो भी बाजार खुला है, जैसा भी कारोबार देखा गया है, क्या रेट चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको इसके बारे में विस्तार जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। विदेशी मार्केट से खबरों के मुताबिक अर्जेंटीना में सोयाबीन फसल पर भारी बरसात का संकट है, लेकिन कुछ एजेंसियां द्वारा नुकसान नहीं होने की रिपोर्ट की वजह से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में 1.19% तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सोया तेल में देखा जाए तो सोयाबीन में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया, लेकिन सोया तेल में बहुत ज्यादा मंदा देखा नहीं गया, सोया तेल में बाजारों में डिमांड रही। अब आज के बारे में बात करते हैं, तो होली जो डिमांड थी वो मार्केट में खत्म हो चुकी है, और उसकी वजह से जो सरसों तेल है, जो सोया तेल है, उसमें भी बाजारों में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा मार्केट तेज नहीं है, रीसेल वाले अपने दाम बेच रहे हैं, दाम घटाकर दाम में चेंज करके दाम निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको ना तेजी देखने को मिल सकती है, ना बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। डिमांड बाजारों में खत्म हो चुकी है, अधिकांश मार्केट में छुट्टी भी हो चुकी है, तो मार्केट में एक स्थिर और मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में सबसे पहले सोयाबीन के बारे में बात करेंगे, तो लातूर में अरिहन प्लांट में 4600 रुपए का रेट है, ऑक्टेगन प्लांट कीमतें 4620 है, धनराज प्लांट में कीमतें 4725 है, विजय प्लांट का रेट 4650 है, दुनिया में डिसाम प्लांट कीमतें 4600 चल रही है, नाडेन में सिद्ध रामेश्वर प्लांट का रेट 4570 है। इसके अलावा सोया तेल जो है इसमें भी गिरावट दर्ज करी गई है, क्योंकि डिमांड, जैसा कि हमने आपको बताया कि होली की डिमांड खत्म हो चुकी है, तो मार्केट में रीसेल वाले ही दाम बाजारों में घटाकर बेच रहे हैं, उसको देखते हुए गिरावट अब देखकर जा सकते हैं। सोया ऑयल में रिफाइंड में महाराष्ट्र में डिसान प्लांट का रेट 995 है, धनराज प्लांट की 970 है, श्रीनिवास प्लांट का रेट 970 है, गोयल में और जो रेट चल रहा है सोया ऑयल का वो 990 चल रहा है। मध्य प्रदेश में इसी तरह सोयाबीन प्लांट में प्रशी प्लांट का रेट 4600 है, सावरिया प्लांट की 4600 चल रही है, प्रकाश प्लांट में कीमतें 4575 है, धनुका प्लांट का रेट 4625 है, महेश प्लांट कीमतें 4550 चल रही है। इसके अलावा सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में जो रिफाइंड में रेट देखा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं, तो प्रकाश प्लांट में रेट 907 है, अभी प्लांट का रेट 970 है, MS प्लांट कीमतें 950 है, महेश प्लांट का रेट 960 रुपए बाजार में आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो सोया तेल में, सोयाबीन में बहुत ज्यादा तेजी के साथ मार्केट में कारोबार देखा नहीं गया है। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं सरसों के बाजार के, इसके बाद अगर बात करते हैं लोकल मिल के बाजार के बारे में, तो लोकल जो मिल वाले हैं उन्होंने बाजारों में दाम यहाँ पर भी घटाए गए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया रीसेल वाले दाम निकाल रहे हैं और रीसेल वाले अपना माल बेच रहे हैं, तो बाजारों में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। डिमांड बाजारों में खत्म हो चुकी है होली की, तो अधिकांश जो लोकल मिल के रेट हैं वो तो स्टेबल ही हैं, वो तो स्थिर देखे जा रहे हैं, लेकिन बाजारों में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गिरावट के साथ भी कारोबार हुआ है। जैसे बिनौला तेल में नरमी दर्ज करी गई है, और मूंगफली के तेल में आप गिरावट देख कर जा सकते हैं, होलसेल के मार्केट में आप यहां से गिरावट देख कर जा सकते हैं, राइस ब्रांड, मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल में बाजारों में गिरावट आई है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो लोकल मिलों में वनस्पति में रेट चल रहा है 15 किलोग्राम का, जो वो 1630 है, बावर्ची ब्रांड के रेट हैं सारे, पामलिन में 15 किलोग्राम कीमतें 1675, एक लीटर पामलिन का रेट 100 रुपये चल रहा है। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में कीमतें बावर्ची ब्रांड में 1680 है, बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में एक लीटर का रेट 104 है, फॉर्च्यून में 15 लीटर की कीमतें 1670 है, एक लीटर फॉर्च्यून का रेट 120 रुपए देखा जा रहा है। सोया रिफाइंड में एक लीटर में कीमतें बेस्ट चॉइस में 97 रुपए है, पामलिन में एक लीटर का रेट 92 रुपए है, बिनौला में कीमतें 10 किलोग्राम में 1000 चल रही है, सनफ्लावर में गिरावट है 1020 रुपए का रेट है 10 किलोग्राम में, ग्राउंडनट यानी मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम कीमतें 1470 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड में कीमतें 85 है, सोया ऑयल का जो रेट है उत्तर प्रदेश में 102 चल रहा है, सोया डीओ की कीमतें बाजारों में 100 रुपए देखी जा रही है, मस्टर्ड का रेट बाजारों में 108 चल रहा है, एक्सप्रेस कीमतें 106 है, पामलिन में आप 100 रुपए तक का रेट बाजारों में यहाँ पे देखकर चल सकते हैं। तो लोकल मिलों में आज गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है। अब बात करते हैं खबरों में अंत में कि किस तरह से कारोबार सोया और सरसों में देखा जा रहा है, क्या कीमतें चल रही हैं। मगर उससे पहले अगर खाद्य तेल मार्केट संबंधित अगर आप जानना चाहते हैं होली के बाद कैसा बाजार देखा जाएगा, क्या कारोबार रहेगा, तेजी मंदी किस तरह की देखी जा सकती है, बाजारों में आपको कब खरीदारी करनी चाहिए, मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, तो आप इस पूरी जानकारी के लिए मंडे टू फ्राइडे होने वाला जो मॉर्निंग में 9:45 का लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा जुड़कर आप पूरी जानकारी जान सकते हैं कि कैसे कारोबार देखा जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं खबरों में अंत में सरसों के बाजार के बारे में, तो तेल की डिमांड, सरसों तेल की जो डिमांड है वो भी घट चुकी है, यहाँ पर सरसों में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है।
उत्पादक मंडियों में कल के दिन बाजारों में दैनिक आवकों में गिरावट दर्ज करी गई। त्योहारी सीजन के साथ ही मार्च क्लोजिंग के साथ भी व्यापार सीमित मात्रा में रहने का अनुमान नजर आ रहा है। उत्पादक राज्यों में मौसम अगर साफ बना रहता है तो सरसों की जो आवक है वो बराबर बनी रहने का अनुमान है। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है और किसान माल को नहीं रोक रहे हैं। दैनिक आवकों को देखते हुए तेल मिले केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रही है। अब बात करते हैं सरसों सीड में कैसा कारोबार देखा जा रहा है। तो सरसों के बाजार में सरसों सीड में भी गिरावट है। 5475 का रेट जयपुर में है, दिल्ली में कीमतें 5325 है, बरवाला का रेट 5200 है, ग्वालियर में रेट 5000 चल रहा है, हिसार का रेट 5300 है, गोलकोटा में रेट आप बाजारों में देख कर चल सकते हैं 5250 रुपए का रेट यहाँ देखा जा रहा है। इसके अलावा कच्ची घानी और मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में भी गिरावट दर्ज करी गई है। जयपुर में रेट 1016 देखा जा रहा है मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में, दिल्ली कीमतें 1020 है, भरतपुर का रेट 1005 है, कच्ची घानी में जयपुर में रेट 1026 चल रहा है, कोटा कीमतें 1020 है, भरतपुर का रेट 1025 है। इसके अलावा प्लांटों में 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई आज। सलोनी शमशाबाद प्लांट का रेट 5775 है, 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। यहाँ पर सलोनी डिग्नेर कीमतें 5775 है, जहाँ 50 रुपए तक की नरमी के साथ कारोबार हुआ है। सलोनी अलवर का रेट 5775 है, जहाँ 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी कोटा में कीमतें आप 5675 देखा जा सकते हैं, जहां पर भी 50 रुपए तक की नरमी के साथ ही कारोबार देखा गया है। तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट के साथ कामकाज हुआ है और बाजारों में अगर आप अभी खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग के साथ कारोबार यहाँ पर देखा जा रहा है। अब होली के बाद ही बाजार जब खुलेगा, क्योंकि मार्च क्लोजिंग भी है, मंथ एंड भी है, तो एक्सपायरी को देखते हुए बहुत ज्यादा कारोबार होने का अनुमान नहीं है। एक रेंज बाउंड दायरे पे आने वाले दिनों में खाद तेल का मार्केट में आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।